We're getting you news from the Jodhpur court. These are visuals of actor Salman Khan, who has reached the Jodhpur court. He is on trial in the Arms Act. It's a 17-year-old case of alleged poaching of two black bucks in 1998. He's been charged with illegal possession of arms. He had appeared on April 29th last year and pleaded innocence. Right now, we're getting an update that Salman has refused to accept his crime. We're also getting update that there will be another hearing on 4th of April, where Salman's case would be heard. There would be witnesses who would be produced as well. Salman Khan, for now, has refused to accept his Crime and Arms Act case. We're also getting some update from Arvind, who sent us this report just a short while back. Salman Khan today has recorded the accused statement third time in the Arms Act case here in Jodhpur in trial court today, and he has denied all the charges leveled against him, and he has said that this is a conspiracy against him hatched by the local forest and police officials. Now court has given him time to produce evidences and witnesses on till April 4, after which the court will decide the date of the final verdict in Arms Act case. With cameraman दिनेश, अरविंद सिंह, टाइम्स नाउ, जोधपुर। मुख्य तौर पे आज माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दलप सिंह जी राजपुरोहित की अदालत में बयान मुलजिम लिए गए, जो माननीय न्यायाधिपति द्वारा सलमान खान से मुख्य तौर पे जो सवाल पूछे गए, पूर्व में दो बयान मुलजिम हो चुके थे, लेकिन इस वक्त चार प्रोसिक्यूशन के जो गवाह हुए उसके संबंध में एक तो मुख्य तौर पर ये प्रश्न पूछा गया था कि जो हथियार की अथॉरिटी आपने एक लेटर दिया उसके तहत उदय राघवन लेके आया, उस हथियारों को आपके यहाँ पेश किया गया है, तो उस पर जो अथॉरिटी लेटर है उस पर आपने अथॉरिटी लेटर जारी किया कि नहीं किया, तो उन्होंने कहा ये अथॉरिटी लेटर मैंने पुलिस अधिकारियों के वन अधिकारी को दबाव की वजह से किया है, तथा उस पर उनसे ये भी पूछा गया इस पर जो हस्ताक्षर किए हैं, तो उन्होंने कहा हस्ताक्षर तो मेरे हैं लेकिन दबाव से दिए गए, तथा उसने ये भी कहा है कि मेरे को अखबार की एक न्यूज़ समाचार प्रकाशित होने के बाद में वन अधिकारियों के द्वारा झूठे साक्ष्य पेश करके और झूठा प्रकरण बनाया गया, मैं निर्दोष हूँ और अपने बचाव के लिए उन्होंने अवसर मांगा है, दस्तावेज पेश करना चाह रहे, साक्ष्य पेश करना, अब आगामी सुनवाई 4 अप्रैल को की जाएगी जिसमें कोई अभियुक्त की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। स्टेटमेंट में सलमान खान ने स्पष्ट कहा कि उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है, उसे किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया। अदालत ने इस मामले में आगे की क्या तारीख? इसमें हमने डिफेंस एविडेंस पेश करने के लिए 4 अप्रैल की डेट ली है, और उस दिन कोई डिफेंस का गवाह अगर आता है तो उसके बयान होंगे। जी, आज सलमान का जो काम था वो इतनी सी देर का, हाँ, 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 क्या कोई हस्ताक्षर वगैरह भी करने थे उन्हें? वो तो जब स्टेटमेंट होते हैं नेचुरल है उसको स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर करने, पहले भी दो बार सलमान के बयान होंगे, हाँ, लेकिन वो वापस गवाह है इसलिए प्रोसीजर है कि चूंकि वापस गवाह है री एग्जामिनेशन में कुछ सवाल पूछे गए इसलिए क्या वापस सलमान को भी आना होगा या उस दिन देखेंगे।